हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज द सेवेंथ वीडियो ऑफ द चैप्टर मनी एंड बैंकिंग। तो मनी एंड बैंकिंग हम पढ़ते आ रहे हैं, सिक्स वीडियो हो चुकी है इस चैप्टर की। तो आज हम जानेंगे मीनिंग ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या होती है, कौन सी बैंक को हम सेंट्रल बैंक कहते हैं, कौन सी कमर्शियल होती है। तो मीनिंग क्या है इसका, देखिए द सेंट्रल बैंक इज द अपेक्स इंस्टीट्यूशन। अपेक्स होता है टॉप मोस्ट, सबसे बड़ी। तो सेंट्रल बैंक एक सबसे बड़ी संस्था होती है ऑल ऑफ मॉनेटरी एंड बैंकिंग सिस्टम ऑफ ए कंट्री। देश को मॉनिटर करना और पूरे देश की बैंकिंग सिस्टम को चलाने का एक सबसे बड़ा बैंक होता है, इसे कहते हैं सेंट्रल बैंक। ऑल इंस्टीट्यूशंस विच डील इन मनी कंस्टिट्यूट अ मनी सिस्टम। तो सभी संस्थाएं जो पैसे से चलती हैं, दे कंस्टिट्यूट अ मॉनिटरी सिस्टम। तो उनका एक मॉनिटरिंग सिस्टम होता है। बीइंग एन अपेक्स इंस्टीट्यूशन, तो अपेक्स इंस्टीट्यूशन होने के साथ साथ इट ऑर्गेनाइजेज सुपरवाइजेज रेगुलेट्स एंड डेवलप्स द मॉनेटरी सिस्टम ऑफ द कंट्री। तो देश के वित्तीय सिस्टम को मॉनेटरी सिस्टम से कहते हैं। तो मॉनेटरी सिस्टम को ये संस्थाएं मैनेज करती हैं, ऑर्गेनाइज करती हैं, सुपरवाइज करती हैं, रेगुलेट्स करती हैं और डेवलप करती हैं। तो इंडिया में क्या है, द नेम ऑफ द सेंट्रल बैंक इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अलग अलग कंट्री अलग अलग नेम दिए गए हैं। तो इंडिया के सेंट्रल बैंक का नाम क्या है, RBI, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट वन, सेंट्रल बैंक हैव बीन एस्टेब्लिश्ड इन ऑल फाइनेंशियली डेवलप्ड कंट्री। तो सेंट्रल बैंक्स सभी फाइनेंशियली डेवलप्ड कंट्रीज में एस्टेब्लिश्ड हुई हैं। दे आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कंट्रीज। उन्हें अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नेम से जाना जाता है। इन इंडिया, इंडिया में द सेंट्रल बैंक इज नोन एज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इंडिया में इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, विच वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1935 एज। तो जो 1935 में इस्टेब्लिश्ड हुई एज ए शेयर होल्डर्स बैंक, एक शेयर होल्डर्स बैंक के रूप में, एंड नेशनलाइज्ड ऑन 1 जनवरी 1949। और ये 1 जनवरी 1949 को नेशनलाइज्ड हुई थी। इट्स प्राइमरी रोल इज टू, अब RBI का प्राइम रोल क्या है, कंट्रोल करना, सुपरवाइज करना, रेगुलेट करना एंड ऑर्गेनाइज द फाइनेंशियल एंड द मॉनेटरी सिस्टम ऑफ कंट्री। देश का फाइनेंशियल और मॉनेटरी सिस्टम को ऑर्गेनाइज करना मेन काम होता है RBI का। तो जिसकी स्थापना हुई 1935 में और नेशनलाइज हुई है 1949 को। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं स्टूडेंट्स, फंक्शंस ऑफ अ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, देख बहुत से फंक्शंस हैं, तो वन बाय वन हम अलग अलग वीडियो में देखेंगे इनको। इस वीडियो में जितने भी हो जाते हैं इनको समझना। देख फर्स्ट वन, इशू ऑफ करेंसी या बैंक ऑफ इशू। तो करेंसी इशू करना, देख पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है सेंट्रल बैंक का, कि इशू ऑफ करेंसी, करेंसी नोट इशू करना या बैंक ऑफ इशू कहलाता है। द सेंट्रल बैंक इज गिविन द मोनोपोली ऑफ इशूइंग करेंसी। मोनोपोली क्या होता है, एक विशेष अधिकार। तो सेंट्रल बैंक को एक करेंसी इशू करने का अधिकार होता है, इन ऑर्डर टू सिक्योर, तो किस लिए, सिक्योर कंट्रोल ओवर वॉल्यूम ऑफ करेंसी एंड क्रेडिट। करेंसी वॉल्यूम, कितना भी धन है, जितना भी पैसा इकट्ठा होता है उसे वॉल्यूम ऑफ करेंसी कहते हैं, और क्रेडिट इसे सिक्योर करने के लिए RBI करेंसी नोट इश्यू करती है। दीज नोट्स सर्कुलेट थ्रू आउट द कंट्री एज लीगल टेंडर मनी। एक लीगल टेंडर मनी के रूप में ये नोट पूरे देश में सर्कुलेट होते हैं। दिस फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड बैंक ऑफ इशू फंक्शन। तो इस फंक्शन को बैंक ऑफ इशू फंक्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट, द सेंट्रल बैंक इश्यूज करेंसी ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम रिजर्व सिस्टम। तो सेंट्रल बैंक मिनिमम रिजर्व सिस्टम के बेस पर करेंसी इशू करती है। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग RBI मेंटेन्स अ मिनिमम रिजर्व ऑफ। तो RBI क्या मेंटेन करती है, कम से कम 200 करोड़ का रिजर्व रखती है अपने पास, एंड इतना मनी उसके पास 200 करोड़ रुपीस रिजर्व रहता है, इसलिए इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। विच 115 करोड़ इज इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड। तो 200 करोड़ में से क्या है, देखिए 115 करोड़ तो गोल्ड के रूप में होता है RBI के पास, एंड द रिमेनिंग और बचा हुआ पार्ट 85 करोड़ इज इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन सिक्योरिटीज।
और ये 85 करोड़ फॉरेन सिक्योरिटी यानी विदेशी सिक्योरिटी के रूप में होता है। इट मे बी नोटेड दैट, ये भी नोट किया जा सकता है, आरबीआई इश्यूज ऑल करेंसी नोट्स। आरबीआई क्या करती है, आरबीआई इश्यूज ऑल करेंसी नोट, आरबीआई सभी करेंसी नोट इशू करती है एक्सेप्ट 1 रुपी नोट, सिवाय 1 रुपए के नोट के, यानी 1 रुपए का नोट आरबीआई इशू नहीं करती। एंड कॉइंस विच आर इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशू होते हैं, बट दे आर पुट इनटू सर्कुलेशन बाय द सेंट्रल बैंक, लेकिन सेंट्रल बैंक के द्वारा ही इनको भी सर्कुलेशन में लाया जाता है। सेकेंड पॉइंट आता है, देखिए क्लास, सेंट्रल बैंक का सेकेंड फंक्शन है बैंकर टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए बैंकर का काम करती है आरबीआई। तो द सेंट्रल बैंक फंक्शंस एज ए बैंकर टू द गवर्नमेंट, तो सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के लिए बैंकर का काम करती है, लाइक कॉमर्शियल बैंक्स आर टू द पब्लिक, जैसे कॉमर्शियल बैंक पब्लिक के लिए काम करती है और सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के लिए काम करती है। इट मीन्स दैट द सेंट्रल बैंक प्रोवाइड्स सम बैंकिंग फैसिलिटीज, इसका मतलब क्या हुआ कि सेंट्रल बैंक कुछ बैंकिंग फैसिलिटीज गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराती है, विच कॉमर्शियल बैंक्स गिव टू द पब्लिक, जिसके लिए कॉमर्शियल बैंक यानी जिस फैसिलिटी को कॉमर्शियल बैंक पब्लिक को प्रोवाइड कराती है। अब किस तरह करती है ये वर्क, इट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द गवर्नमेंट, तो सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है यानी पैसा एक्सेप्ट करती है, एंड गिव्स लोन्स टू द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट को लोन देती है। इट मेंटेन्स द अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के अकाउंट को मेंटेन करती है, एंड कैरीज आउट ऑल इट्स बैंकिंग बिजनेस और अपने पूरे बैंकिंग बिजनेस को करती है। द गवर्नमेंट कीप्स देयर कैश बैलेंस इन द करंट अकाउंट, गवर्नमेंट क्या करती है सेंट्रल बैंक के साथ करंट अकाउंट में अपना बैलेंस रखती है। सिमिलरली ठीक उसी तरह द सेंट्रल बैंक एक्सेप्ट रिसीप्ट, उसी तरह सेंट्रल बैंक रिसीप्ट यानी एक रिसीप्ट एक्सेप्ट करती है एंड मेक्स पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की तरफ से पेमेंट करती है। आल्सो द सेंट्रल बैंक कैरीज आउट, अब सेंट्रल बैंक और भी वर्क करती है जैसे एक्सचेंज रेमिटेंस एंड अदर बैंकिंग ऑपरेशंस ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे वर्क भी करती है। द सेंट्रल बैंक गिव्स लोन्स एंड एडवांसेस टू गवर्नमेंट, तो सेंट्रल बैंक सरकार को लोन देती है और एडवांस मनी भी देती है गवर्नमेंट को फॉर टेम्पररी पीरियड्स एज एंड वेन नेसेसरी, एंड इट आल्सो मैनेज द पब्लिक डेट ऑफ द कंट्री, तो देश के पब्लिक डेट पब्लिक का जो कर्ज होता है उसको मैनेज करने का काम सेंट्रल बैंक करती है। रिमेंबर द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन बोरो एनी अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम आरबीआई, तो ये भी याद रखें कि सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई से कितना भी अमाउंट उधार ले सकती है बाई सेलिंग इट्स रुपीज सिक्योरिटीज टू द लेटर, तो अपने रुपीज को बाद में सिक्योरिटीज के रूप में बेच करके वो कितना भी रुपया आरबीआई से ले सकती है। नेक्स्ट थर्ड टॉपिक देखिए, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर, ये वीडियो अर्थ में हम पढ़ेंगे।